गौरतलब है कि हाल ही में धमकी भरा ईमेल रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी को मिला था। इसमें 20 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी और साथ ही रुपए न देने पर मुकेश अंबानी को गोली मारने की बात कही थी। आपको बता दें कि दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल मिला है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसी अज्ञात शख्स की ओर से दी गई है, जिसने 27 अक्टूबर को 2 ईमेल भेजकर 200 करोड़ रुपए की मांग की थी। तीसरे ईमेल में शख्स ने फिरौती की रकम बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी है, क्योंकि अंबानी ने उसके पिछले 2 ईमेल का जवाब नहीं दिया। खतरे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी है। अंबानी के आधिकारिक आईडी पर भेजे गए तीसरे ईमेल में लिखा है कि आपकी सुरक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हम फिर भी आपको मार सकते हैं। इस बार यह कीमत 400 करोड़ रुपए है और पुलिस मुझे ट्रैक और गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अंबानी को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले बीते साल अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी मिली थी। तब मुंबई पुलिस ने कॉल करके धमकी देने के आरोप में बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि हाल ही में धमकी भरा ईमेल रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी को मिला था। इसमें 20 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी और साथ ही रुपए न देने पर मुकेश अंबानी को गोली मारने की बात कही थी। आपको बता दें कि दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल मिला है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसी अज्ञात शख्स की ओर से दी गई है, जिसने 27 अक्टूबर को 2 ईमेल भेजकर 200 करोड़ रुपए की मांग की थी। तीसरे ईमेल में शख्स ने फिरौती की रकम बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी है, क्योंकि अंबानी ने उसके पिछले 2 ईमेल का जवाब नहीं दिया। खतरे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी है। अंबानी के आधिकारिक आईडी पर भेजे गए तीसरे ईमेल में लिखा है कि आपकी सुरक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हम फिर भी आपको मार सकते हैं। इस बार यह कीमत 400 करोड़ रुपए है और पुलिस मुझे ट्रैक और गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अंबानी को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले बीते साल अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी मिली थी। तब मुंबई पुलिस ने कॉल करके धमकी देने के आरोप में बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि हाल ही में धमकी भरा ईमेल रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी को मिला था। इसमें 20 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी और साथ ही रुपए न देने पर मुकेश अंबानी को गोली मारने की बात कही थी। आपको बता दें कि दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल मिला है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसी अज्ञात शख्स की ओर से दी गई है, जिसने 27 अक्टूबर को 2 ईमेल भेजकर 200 करोड़ रुपए की मांग की थी। तीसरे ईमेल में शख्स ने फिरौती की रकम बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी है, क्योंकि अंबानी ने उसके पिछले 2 ईमेल का जवाब नहीं दिया। खतरे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी है। अंबानी के आधिकारिक आईडी पर भेजे गए तीसरे ईमेल में लिखा है कि आपकी सुरक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हम फिर भी आपको मार सकते हैं। इस बार यह कीमत 400 करोड़ रुपए है और पुलिस मुझे ट्रैक और गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अंबानी को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले बीते साल अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी मिली थी। तब मुंबई पुलिस ने कॉल करके धमकी देने के आरोप में बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी।